वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, आज है संडे, देन हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पे मेरा छोटे बेबी को देख सकते हैं, एक झूला से उतर के दूसरे झूला में, दूसरे झूला से उतर के घोड़े में बैठेगा। हे लदा, गुड मॉर्निंग से एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, आज संडे है। रिशांग भी अभी तुरंत उठे और उठने के बाद ही देखिए फ़ोन लेके बैठ गया। अभी उसके हाथ से फ़ोन हटाऊंगी। और बाबू जल्दी ब्रश करो, ब्रेकफास्ट नहीं करना है। प्यार करने के लिए नहीं बोल रहे, ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले थे। मुँह ब्रश करो। और आज धूप बहुत ही अच्छा वाला है, तो बारिश हो रहा था तो मेरा अचार फाइनली सूखने के है, लेकिन बादल लग रहा है तो देखिए क्या ही होता है। एनीवे अभी चलिए मैं फटाफट से, ये ब्रेड है, फ्रूट्स ब्रेड है ये देखिए, ये फ्रूट्स ब्रेड है। तो इसको घी के साथ सेक देती हूँ कि हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि वो भी निकल रहे हैं। संडे है बट ऑफिस तो भाई संडे हो या मंडे, उनको तो जाना ही है डिपार्टमेंट में। सो चलिए ब्लॉग वीडियो में बने रहिए एंड अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोग से कनेक्ट रहूँ, मैं देखती हूँ कितना कनेक्ट रह पाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिए, बाबू भी बोल रहा है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। आज के ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, जस्ट लाइक फ्रूट ब्रेड है। तो फ्रूट ब्रेड को ना घी के साथ टोस्ट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया ये कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ये फ्रूट ब्रेड बहुत सारे खाए थे, उसके बाद मैंने खाया नहीं डिलीवरी के बाद, तो अभी फ़र्स्ट टाइम ही फ्रूट ब्रेड हस्बैंड लेके आए थे। सो ये ब्रेड ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है घी के साथ टोस्ट करने के बाद, ना आप खाओगे ना क्रिस्पी करके तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला। सो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मेरा ब्लॉग्स थोड़ा लेट जा रहा है, एंड ये संडे का ब्लॉग है। एंड मैंने अभी तो मंडे ट्यूसडे कुछ शूट भी नहीं किया, कल से शूट करूँगी वेडनेसडे से। सो आप लोग के साथ थोड़ा सा लेट से ब्लॉग शो हो रहा है, बट प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और बस ब्लॉग्स इन्जॉय कीजिएगा गाइज। इसी वजह से मैं कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग इतनी मेहनत से कमेंट करते हो और फिर मैं रिप्लाई ना करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आप और मेरे ना जैसे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि मेरी नींद जो है ना पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से ज़्यादा पेन होता है सर में। क्योंकि दिन भर दिन में भी बहुत कम छोटा वाला बाबू सोता है, और जितना देर वो सोता है और मैं उस टाइम पे काम करती रह जाती हूँ, और जब मैं थोड़ा सा आराम करने के बारे में सोचती हूँ तो बाबू उठ जाता है, तो हो नहीं पाता है। और रात के टाइम पर बाबू दो बार तीन बार उठते रहता है ना, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मेरा एक बार रात में सोई अगर आँख खुल गया ना, तो बहुत जल्दी आँख नहीं लगता है मेरा, तो फिर मैं जगे जगे फिर नींद आता है, तो फिर बाबू उठ जाता है। इस वजह से मेरे सर में ना कंटिन्यू अभी जो पेन है ना वो है ही। मैं रील्स भी बना नहीं पा रही हूँ, जो ड्राफ्ट में मेरी रील्स है वही रील्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। सो गाइज, एनी वे चलिए आप लोग के साथ तो आज का रूटीन मैं शेयर कर ही रही हूँ कि आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। एंड हैप्पी संडे तो चला गया, अब तो ट्यूसडे को मैं ये ब्लॉग डालूँगी। एडिटिंग कर रही हूँ ट्यूसडे के दिन ही कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड मुझे एक कमेंट आया था कि आपके घी का कलर ऐसा क्यों है, आई थिंक शायद फेसबुक पे आया था या कहाँ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्यों है, मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने ये वाला घी लेके आए थे, तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा कलर है, मुझे खुद भी नहीं पता, बट घी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे कुछ सामान लेके, तो उन्होंने कॉल किया कि झोला नीचे फेंको, हम सामान देते हैं। तो उसमें उन्होंने आम और जामुन दिए, तो हस्बैंड फिर से चले गए, देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट के किसी काम से वो मार्केट गए थे, तो वहीं से लौटते टाइम वो जामुन और आम ले लिए थे। जामुन हमको बहुत ज़्यादा पसंद है,
बहुत ही ज़्यादा। तो मैं कभी जैसे दोपहर के टाइम पे ना जामुन उमुन खाती हूँ, और मेरे कपड़े देख सकते हैं वॉशिंग मशीन पे कितने सारे कपड़े का, इस इतनी कपड़े धोते हैं ना, फिर भी कपड़ों का तो बाजार लग जाता। और यहाँ पे जामुन जो था उसका प्लास्टिक गिर गया था। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किन किन लोगों को जामुन पसंद है, बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जामुन, एकदम मीठा मीठा जामुन होता है ना, तो वो ना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो यहाँ पर जामुन को पहले मैं धो लूँगी, उसके बाद फ्रिज में रखूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गरम गरम ना अच्छा नहीं लगता खाने में कुछ, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो जामुन जो है अभी मैं अच्छे से वाश कर लेती हूँ, वाश करने के बाद मैं डाल दूँगी फ्रिज में। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है मेरे साथ बना के रखिए। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस देख के कि आप लाइव नहीं आ रही है, आप टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही हो, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग के इतने इतना कंसर्न होना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कल से मैं लाइव भी आऊँगी, हाँ जी मैं कोशिश करूँगी आज नाइट से मैं आऊँ आप लोगों के साथ लाइव, बट आज नहीं भी आ पाई तो कल ज़रूर मैं लाइव आऊँगी। थोड़ा सा मैं किसी काम में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी, और मतलब देखिए जब आप काम में ज़्यादा बिजी हो फिर सर में पेन, मतलब दिमाग ना इधर से उधर हो जाता है, बट अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ तो मैं लाइव आप लोगों के साथ आऊँगी, बातें करूँगी आप लोगों के साथ। तो एक कनेक्शन होता है ना वो बना रहता है। सो मैंने यहाँ पे फ्रिज में डाल दिया है जामुन, और इसके बाद अभी मैं खाना वाना जो है वो आराम से ही बनाऊँगी। खाना में ऐसा कुछ बनाना नहीं है, मैं सोची थी कि हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना नहीं है, तो मैंने कहा था कि मैं सोच रही थी कि फ़िश करी जो है वो ऑर्डर कर लूँगी और घर में राइस बना लूँगी। फ़िश करी मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है ना उसका फ़िश करी मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं वहीं से फ़िश करी ऑर्डर कर लेती हूँ और उसके बाद राइस बना लेती हूँ जब भी मुझे ऐसा कुछ खाने का मन करता है। और हालांकि ऐसे तो हस्बैंड मछली हो मटन हो ये सब लेके आते हैं रात के टाइम पे, अगर कभी मुझे दिन में खाने का मन होता है ना तो मैं इसी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे तो मैं उसी में से ना ऑर्डर कर लेती हूँ। सो ये व्लॉग जो है ना मेरा बेटा शूट कर रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ट्राईपॉड में फ़ोन डालूँ, तो मेरा बेटा ये सारे व्लॉग्स ना शूट कर रहा है। सो देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़ोन हिला रहा है, इसलिए मैंने स्पीड भी वीडियो में नहीं किया है, सिर्फ जो ब्रेड सेक रही थी ना वही वीडियो में थोड़ा स्पीड बढ़ाया, क्योंकि वो कैमरा ना बहुत ज़्यादा हिला रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ मतलब वो भी वो शूट कर दिया तो शूट हो गया, नहीं तो शूट भी नहीं हो पाता। मैंने उसको कहा कि बेटा मैं जो जो काम करूँगी आप मेरा वीडियो शूट कर दोगे, कह रहा है मम्मी मैं कर दूँगा आपकी वीडियो शूट, और संडे था उसका स्कूल भी छुट्टी था, तो मैंने कहा चलो कर दो। तो फिर उसने मेरी वीडियो जो है ना शूट कर दी, मैंने कपड़े भी धोए हैं लास्टली आप लोग को दिखाऊँगी, तो उसने वो भी बहुत अच्छे से शूट कर दिया था मेरी वीडियो को, और मुझे बोल रहा था कि मम्मी मैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी शूट करता हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, और जब आपको वीडियो शूट नहीं करने का मन हो कोई वीडियो शूट कर देता तो सच में अच्छा लगता है कि चलो। और एक बात है कि अगर कोई दूसरी इंसान वीडियो शूट कर देता है ना आपका, तो आपके लिए थोड़ा सा ना इजी भी हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बेड वेड जो है इसको ठीक कर लिया है। अब मुझे कमेंट आया था इस बेडशीट के बारे में कि आपने कहाँ से लिया है, मैं बेडशीट ऑनलाइन ली हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूरत हो तो, क्योंकि मुझे कमेंट आया था लेकिन मैं कर नहीं पाई। किसी पहले की वीडियो में आया था कि आपने एक वाइट कलर की प्रिंटेड बेडशीट बिछाई है, तो मैंने वाइट कलर की प्रिंटेड बेडशीट यही बिछाई है, और कोई बेडशीट बिछाया नहीं है मैंने। सो चलिए, मैं अपना काम निपटा ही ली हूँ, अब मैं फटाफट से कपड़े जो है वो धो लेती हूँ, क्योंकि भाई साड़ी धोना है, तीन चार साड़ी ना ऐसे जमा सा हो गया है, तो चार साड़ी है, चार साड़ी जमा सा हो गया, तो मैं सोची कि उन्हें साड़ी जितनी भी है सबको धो के और सूखने के लिए ना दे दूँ, सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि साड़ी ना मैं डेली के डेली, मैं जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तुरंत के तुरंत नहीं धो पाती हूँ, मैं इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर मैं हाथों से वाश कर देती हूँ। पहले तो मैं मशीन में ही डाल देती थी, फिर मैंने सुबह सोचती हूँ कि नहीं मशीन से अच्छा है कि हाथ से ही धो देती हूँ, क्या ही चार कपड़े के लिए मशीन लगाने जाऊँ, है ना। और होता क्या है ना कि जो सिफॉन की साड़ी होती है ना उसमें से ना थोड़ा सा कलर जो है ना निकलता है, तो कलर जब निकलता है ना इस वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं उसको हाथों से धो लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कलर निकल जाएगा तो इस साड़ी का उसमें, उस साड़ी का उसमें, ऐसे कलर लग जाएगा। तो इसीलिए ना मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही मेरी रहती है कि मैं जो भी मेरी सिफॉन की साड़ी है वो साड़ी मैं खुद हाथों से ही धो लूँ।
rip up my appetite. Don't leave me high and dry. मोस्टली मैं जितनी भी कपड़े होते हैं ना सबको मैं मशीन में ही लगाती हूँ, लेकिन ये जो साड़ी होता है या फिर कोई ऐसे कपड़े होते हैं जिनके कलर निकलते हैं तो वही मैं धोती हूँ ज़्यादा करके, क्योंकि ऐसे मेरे से ना कपड़े जो होते हैं ना काफ़ होते हैं ना, बहुत लोग बहुत गंदे गंदे कपड़े भी साफ़ कर लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं होता साफ़ हुआ, तो ज़्यादा करके मैं तो मशीन में ही कपड़े डालती हूँ। इसी वजह से मैंने ऑटोमेटिक मशीन ले लिया था, एक कि मशीन आता है तो कपड़े धोने में टेंशन नहीं हो रही। इतने कपड़े होते हैं जैसे मेरे तो होते ही हैं कपड़े, मैं तो 3-4 कपड़े हो जाते हैं, कभी रील्स शूट करके खाना वाना खा लेती हूँ तो फिर दोबारा से उतने सारे ना कपड़े, मेरे कपड़े ना मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, कमी नहीं है मेरे कपड़ों की। और उसके बाद है कि हस्बैंड के भी कपड़े होते ही हैं और दोनों बच्चे हैं, अब तो दोनों बच्चे हो गए, उनका भी कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा। सो इस वजह से ना मतलब मैंने तो मशीन तो पहले ही ले लिया था, वो मशीन रहना घर में आई थिंक एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़े धोने वाला मशीन, कि आपको थोड़ा सा ईजी लगे और इतना सारा काम के बीच एक काम ही ये थोड़ा सा शॉर्टली रहता है कि कपड़े भी धोना है। हाँ मशीन में भी रहता है कि आपको मशीन में कपड़े लगाना है, फिर वहाँ से आपको जब वो धुल जाए तो फिर उसको डालना है सूखने के लिए, लेकिन उतना तो करना पड़ेगा है ना। और ऑटोमेटिक मशीन मैंने इसलिए लिया था कि एक बार कपड़े मशीन में डालूंगी और आराम से कपड़े मेरे धुलते रहेंगे, मुझे ये नहीं है कि इसमें से उसमें डालना ना पड़े, इसी रीज़न से मैंने ऑटोमेटिक मशीन लिया था। मेरा जो ये ऑटोमेटिक मशीन है ना 30,000 समथिंग का मुझे पड़ा था, बट बहुत अच्छा है, 2-2.5 हज़ार से प्रॉपरली अच्छे तरीके से चल रहा है और जब तक चलेगा तब तक तो चलेगा ही।
सो गाइस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी साड़ी सब कैसी लग रही है? सारी साड़ियाँ तो आपने देखा ही है, आई थिंक दो तीन मैंने सारी साड़ी आपने देखी, सारी साड़ी पे मैंने ब्लॉग शूट किया था भैया सब साड़ियाँ हैं। पर इनका कलर बहुत ज़्यादा निकला था, ब्लैक ग्रीन वाले का भी निकला, ब्लू वाले का भी निकला, रेड वाले का भी निकला, पिंक वाले का भी निकला, तो इसीलिए सारे कपड़ों को मैंने अलग अलग से धोया है। सो चलिए मैं आगे म्यूज़िक लगा दूँगी क्योंकि वॉइस ओवर करने का ज़्यादा ना बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो कल से मैं फिर से ब्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि आपसे बिना प्यार और बिना सपोर्ट के लाइफ में हम आगे तो नहीं बढ़ सकते ना, ऑब्वियसली, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो गाइस, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड ब्लॉग्स इंजॉय करते रहिए। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.